बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं 92 न्यूज़ के साथ, मैं हूं हसन महमूद। बुलेटिन में साथ देंगे कहार, इसमें बात करेंगे कुछ आज बदलते मौसम के हवाले से, साथ ही साथ कुछ बात होगी वर्ल्ड T20 के फाइनल और सबसे बड़े टाकरे पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से, साथ ही साथ साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की क्या मसरूफियात है इस वाले से बात होगी। मगर सबसे पहले नजर 92 हेडलाइंस पर। शाहीन ऊंची उड़ान को तैयार, आमिर इरफान और वहाब करेंगे सुरमाओं का शिकार। अहमद शहजाद, शर्जील, हफीज आफरीदी और सरफराज बनाएंगे रन का पहाड़। शाइकीन के दिलों की धड़कनें तेज, मैच का बेताबी से इंतजार। पाक भारत टाकरा आज ईडन गार्डन में होगा। मैग्नीट्यूड वर्ल्ड कप के हीरो इमरान खान आज ग्रीन शर्ट्स को टिप्स देंगे। कप्तान का कहना है कि पाकिस्तान के पास आमिर और इरफान, भारत के पास कोहली और धोनी बड़े हथियार हैं। भारतीय टीम फेवरेट है लेकिन पाकिस्तान रवायत तोड़ दे। आप लोग न्यूजीलैंड से एक बहुत आसान मैच हार गए हैं, जो हमारी फीलिंग है वो आप अंदाजा कर सकते हैं, जो आपकी फीलिंग है वो हम अंदाजा कर सकते हैं। गड्ढा खोदा था दूसरों के लिए, पहले मैच की तरह आपके तमाशाइयों को, आपके दर्शकों को मौका ना मिल जाए कहने का, मौका मौका। बड़े टूर्नामेंट का बड़ा मैच, लेकिन इससे पहले बड़ी ट्रांसमिशन। 92 न्यूज बमुकाबला भारतीय चैनल न्यूज नेशन, तजर्बा का क्रिकेटर आमने सामने, आज कुछ अलग होने वाला है। क्रिकेटर मनिंदर सिंह का तबसरा, मोहसिन हसन खान कहते हैं कि आज का मैच एक नया मैच, नया मार्का होगा। 92 न्यूज का खसूसी ट्रांसमिशन आज भी होगी। दुबई से रूस जाने वाला बोइंग तैयारा रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-दोन के एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह। अमले के 6 अरकान समेत 61 अफराद हलाक। तैयारे को हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। लॉरी के इलाके मियांवाटा में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी। जहां बहक होने वालों में 5 साल का बच्चा और 2 खवातीन शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके महमूदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी हालत में गिरफ्तार दोनों मुलजिम अस्पताल में दम तोड़ गए। मुलजिमों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। उधर पेशावर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 75 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, असलहा बरामद। कराची के इलाके मंगूपीर में हलाक होने वाले दहशतगर्द कालेदम जिंदुल्ला के कारण देने निकले। ज़ैनुद्दीन मसूद और मुर्तजा और रिजवान फोर्सेस पर हमलों और कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। दोनों के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बाज मकामात पर जालाबारी। सरली से चके मकाम पर पहाड़ी तोड़ा गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद दब गए, 2 को निकाल लिया गया, इमदादी कार्रवाइयां जारी। उधर मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से राबता सड़कें बंद हो गई। पेरिस हमलों का मरकजी मुलजिम साले अब्दुल सलाम बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स के नवाही इलाके से गिरफ्तार। बेल्जियम वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ब्रसल्स के ऑपरेशन में 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि बेल्जियम से हवालगी की दरख्वास्त करेंगे। जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, होंठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों। और सिल्वर स्क्रीन के साथ फरिश्तारों के दिनों पर राज करने वाले शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए।